तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम, अगर मैंने तुम्हारे साथ सच में दोस्ती की है ना, तो तुम मुझे अभी छुपाओगी। तुम्हें छुपाऊं? हाँ, तुमने ही मुझे फंसाया है। पता नहीं तुम्हारी सास कौन सा हथियार लेके आ रही है। मुझे जल्दी से छुपाओ शर्मिला, मुझे छुपाओ। ठीक है, आओ मेरे साथ जल्दी। इतने बड़े मुंह वाली औरत को कहाँ छुपाओ। नालायक, कहीं के पोल खोल कर दियो। इधर, हाँ इधर बैठ जाओ, इधर बैठो जल्दी आप। ये लो, डरना मत। हाँ, चूहे एक दो निकलेंगे। ये तो चूहा ही है, इसको क्या पता ना। कहाँ गई पापी? घर में घुसी होगी। बाहर निकल चुचुंदर। ए लैला, का हुआ? का ऐसे चिल्ला रही है? सुगंधा जी, आपको पता है आपकी बहू ने क्या किया? का किया हमारी बहुरिया ने? बा, हम बोल रहे थे सुशील को, तो हर बीवी कोई कांड करेगी। कर दिया कांड, काट दिया हमरा नाक। हाँ, इसी की वजह से इसको लेके उसको ढूंढ रही हो? चलो हम भी आते हैं उसको ढूंढने के लिए। चलो चलो, धीरे मारो उसको। अरे क्या बोल रही हो? धीरे मारो, मार रहा है कितना जोर से वो मुझे। शांत हो जाओ। बस शांत हो जाओ। ये सारा किया धरा सुमित्रा का है। कि? हाँ, उसी ने बॉडीगार्ड को ये सब करने के लिए कहा था। बॉडीगार्ड? आपको ये सब सुमित्रा जी ने बताया था? हाँ, मुझे ये सब सुमित्रा मैम ने बताया। तो पिछले दो दिनों से मुझे जो चिट्ठी आ रही थी वो आपने नहीं लिखी थी? नहीं, मैंने आपको एक भी खत नहीं लिखा, वो सारे खत उन्होंने लिखे थे। तो पहले ही बोल देते, इतना सब कुछ क्यों होता? ये देखिए, मैम ने मुझे कहा था कि मैं कुछ ना बोलूं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा था। ये क्या कर दिया आपने? अगर सच का साथ जोया, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, अपने मालकिन जो बोल रही थी वही कर रहे थे, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। माफ कीजिए। सॉरी, मैंने पूरी बात जाने बिना तेरे ऊपर हाथ उठाया, मुझे माफ कर। सेम टू यू ब्रदर। ये देखो बच्चों, हमारी बहुरिया ने जो कुछ भी किया उसकी तरफ से हम सॉरी बोलते हैं। पता नहीं कहाँ छुप के बैठी है छुछुंद्री। छुछुंद्री की दोस्त बंद्री। शशि, तेरे घर में आई है क्या वो? नहीं नहीं, मेरे घर में चूहे अलाउड नहीं। कहाँ गई होगी? मैं बताती हूँ, आप ही के बहू ने छुपाया होगा। मेरे सामने सुमित्रा बहन को अंदर लेके गई है वो। बहू, सुमित्रा कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता सुमित्रा कहाँ है। मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर। अंदर ही अंदर, चलो चलो। हाय दैया, यहाँ पे क्या कर रही है बहुरिया? तुझको यहाँ नहीं होना चाहिए, तुझको तो मैरिज ब्यूरो में होना चाहिए, खुद के मैरिज ब्यूरो में। सुमित्रा द मैरिज ब्यूरो। लोगों की जोड़ियाँ फिक्स करने में तुझे बड़ा मजा आता है। चल, हम तुझको फिक्स करते हैं। क्या जरूरत थी यह सब करने की सोसाइटी में? कितनी बार हम बोल चुके सुमित्रा, इन हरकतों से बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। हमारी एक नहीं मानती तुम। जोया जी, बॉडीगार्ड तो पता है। जोया जी, वो चिट्ठियाँ मैंने भेजी थी आपको, और बॉडीगार्ड को मैंने कहा था आपके आगे पीछे करने के लिए। सुमित्रा जी, आपको जरा भी शर्म नहीं है ये सब करते हुए? आप अपने मजे के लिए दो जिंदगियों के साथ खेल रही हो। तेरी भलाई का सोच रही हूँ मैं, कब तक रहेगी सिंगल? हो जा मिंगल। बस कीजिए, आप होती कौन मेरे लाइफ की डिसीजन लेने वाली? नहीं नहीं, इसका बहू तो क्या, कैसी बहू पाई हमने? पता नहीं कौन से जन्मों का पाप है, कितने बार हम मना कर चुके हैं। ऐसे दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करना बंद कर दो, अच्छा नहीं लगता ये। पर ना ही, तुझको सुनना ही नहीं है। सासू मैं भलाई का सोच रही थी। भलाई? काय की भलाई? आपको तो बस दूसरों के मजे चाहिए। ए शर्वरी, ज्यादा मत बोल। काय के मजे? मुझे काय के मजे आ रहे हैं इसमें? कुछ मजे नहीं आ रहे मुझे। अच्छा, आपके हाथ में क्या है? देखो, चिप्स खा खा के पूरा मुंह चिप जैसा हो गया है, फिर भी चिप हरकत करना बंद नहीं करेंगी। इधर दे वो चिप। क्या खाती रहती है बार बार ये? इससे अच्छा बादाम खा। मैंने शशिबेन ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो कहते हैं ना, समझदार कोई शरका भी होता है, पर जो समझने नहीं चाहता उसके आगे मत्थापच्ची करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इसलिए हमने छोड़ दिया उसको समझाना। बस जो हो रहा है देखते रहे। शर्मिला, कैसे निकम्मी दोस्त हो? तुमसे अच्छी तो दुश्मन। पहले मुझे फंसाया, अब मीट मिर्ची लगा रही हो। मीट मिर्ची नहीं, बराबर बात कर रही है शर्मिला बहन। हमने आपको बहुत
आप तो मेरे ऊपर उबलता तेल छिड़क रही हो। देख बहन, जो भी बोलूंगी साफ सीधा बोलूंगी। हमने तुझे मना किया था, ऐसे किसी के पर्सनल जिंदगी में तेरा क्या काम? इतने बुरे मेरे दोस्त दुश्मन बन गए। दुश्मनों की क्या जरूरत। हमरा मुंह बात करते करते थक गया, पर तोहर मुंह है कि मानता नहीं। अभिजीत अंदर आ जाओ, बहुत लग गया तुम्हें, बहुत लग गया आपको। रुकिए, अंदर आइए, मैं मरहम लगा देती हूँ। जख्म भी आप दो, मरहम भी आप लगाओ। मैंने क्या जख्म दिया? मोहतरमा, आपकी वजह से मैं दो बार पीट चुका हूँ, वो भी बेवजह। पता नहीं कब तक पीटूंगा। ये आपकी गलती है, आप अगर सच बोलते तो इतना सब नहीं होता। अब आ जाइए। मेरा काम खत्म हो चुका है, मैं जाऊंगा। ठीक है, मत आइए। अकड़ू नंबर वन, अब यहीं पे खड़े रहना। बहुरिया, आवाज बंद कर। तोहर सारा आवाज घर के बाहर जा रहा है। बात मत कीजिए आप साथ मुझसे, सबके सामने आपने मुझे चटक दिया। का करूं? नहीं बोलना, तू ही का करूं? तू ऐसी हरकतें करती है, दूसरों के मामलों में ताकझांक करती है, उनके मामलों में इंटरफेयर करती है। का लगता होगा बाकियों को? अच्छा नहीं लगता वो हमको भी, और तू दिन दहाड़े सब कर रही है खुद के मजे के लिए। क्या ऐसी हरकत की मैंने? क्या ऐसी हरकत? दोनों की बस जोड़ी देखना चाहती थी, उसमें बुराई क्या है? कितनी अच्छी दिखती है उनकी केमिस्ट्री। सुमित्रा ही देख, हमको झूठ पसंद नहीं, एकदम सच सच बोलेगी। मैं जो भी पूछूंगी उसका मुझे सच सच आंसर देगी तू। क्या सच? ये जो तूने जोया और बॉडीगार्ड का किया, ये उनकी भलाई से ज्यादा खुद के मजे के लिए किया ना? सच बोलने का, एकदम सच बोलने का हमारे सामने। हाँ, मैं अपने मजे लेना चाहती थी। जे बात, काहे करती है ऐसा? हमने कितनी बार मना किया है तुझको, मत पढ़ दूसरों के मामलों में, मत पढ़। अगर मजे होते हैं तो मजे ले, पर खुद मजे मत कर लोगों के, समझी ना? वो तो अच्छा हुआ हमने तुझको थप्पड़ मारा, अगर बाहर वाला कोई मारता तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमारी बहू को कोई बाहर वाला थप्पड़ मार रहा है। हाँ चल चल, अब रो मत, हरकतें वैसी करती है इसलिए मार खाती है। बहुरिया शांत हो जा। ए बहुरिया शांत हो जा, अभी हमको भी रुलाएगी का? सासू माँ, सासू मत रोइयो आप, तो पहले शांत हो। हाँ मैं हो जाती हूँ शांत। चल हम तुझको सॉरी बोलते हैं, सबके सामने तुझको थप्पड़ मारा, पर वो तुम्हार भलाई के लिए था, तुम्हार अच्छाई के लिए था। हमारी कोनो इच्छा नहीं थी तुम्हार को थप्पड़ मारने की, पर मारना पड़ा। मैं भी सॉरी, आगे से ऐसा नहीं करूंगी, मजे लूंगी पर सोच समझ के लूंगी। हमारी ब्रांडेड बहुरिया। वीकू को कॉल करती हूँ। श्रेया का फोन? हाँ बोल ना श्रेया। वैलेंटाइन आ रहा है। हाँ वैलेंटाइन तो आ रहा है, तो क्या है तुम्हारे मन में? तेरे दिल में तो बहुत कुछ है, बोलो ना। कैसे बोलूं? ठीक है मैं तुम्हारे घर आता हूँ, बात करते। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, मोबाइल पे बोल देती हूँ। मोबाइल पे भी चलेगा, बोलो बोलो। हम सबके साथ? क्या क्या सबके सामने क्या करने जा रहे हो तुम? पूरी बात सुनो मेरी, हम सबके साथ मिलके सोसाइटी में वैलेंटाइन डे का बहुत बड़ा फंक्शन रखते हैं, जिसका नाम होगा वैलेंटाइन का कंपटीशन। वैलेंटाइन का कंपटीशन? हाँ, हम सोसाइटी की सारी जुड़ियों के बीच कंपटीशन रखेंगे, और उसमें से जो अच्छा परफॉर्म करेगा उनको जिता देंगे। क्या बात की है श्रेया तूने, ये काफी अच्छा आइडिया है और सबको पसंद भी आएगा। हाँ
तो करते हैं वैलेंटाइन का प्लान, बहुत मजा आएगा। हाँ करते हैं, अच्छे से प्लान करते हैं वैलेंटाइन का। ठंड तो काफी पड़ रही है। कुछ भी कहिए सुमा, सुमित्रा को ना बहुत अच्छा सबक मिला आज। हाँ बात तो बराबर की, छुछुंदरी के साथ बहुत अच्छा हुआ। नहीं उसका ज्यादा ही हो रहा था, वो इतना नहीं होता ना बेचारे, किसी की जिंदगी में इंटरफेयर करना, इतना ज्यादा इंटरफेयर करना चाहिए? इंटरफेयर तेजते हैं। मम्मी क्या हुआ? दीदी वैलेंटाइन का प्लान कर रही है। वैलेंटाइन? हाँ उसको कोई वैलेंटाइन मिल गया। अरे वाह क्या बात कर रहे तू, श्रेया को वैलेंटाइन मिल गया, वाह वाह वाह, घर की परंपरा बरकरार रखी पोती ने। अच्छी बात है। मम्मी आप कितनी भोली हो, वैलेंटाइन मिल गया उसको वैलेंटाइन। मिलने दो। वाह बहू तू कब से इतनी फ्री माइंडेड हो गई। मिलने दो क्या मिलने दो, आपकी बेटी आपके हाथ से छूट रही है। क्या बोल रहे तू, साफ साफ बोल प्रसर। वैलेंटाइन वैलेंटाइन, वैलेंटाइन के दिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। ए घोड़े ऐसे किसी की प्राइवेट बात नहीं बताते। मुझे उसकी चिंता है इसलिए मैंने फोड़ा उसका भांडा। पापी कहीं का। श्रेया ए श्रेया इधर तो आ। क्या हुआ? तेरा भांडा फूट गया क्या? कौन है तेरा वैलेंटाइन बोल, कौन है, किसके साथ कर रही तू चक्कर? घन चक्कर कहीं का, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोल। तेरी पूरी बात तो सुन लिया कर। ए दीदी को परेशान मत कर, जा। मम्मी वो दरअसल हम वैलेंटाइन डे के दिन सोसाइटी में बहुत बड़ा फंक्शन रखने वाले हैं। क्या होगा इसमें? वो तो आपको उसी दिन पता चलेगा, 13 तारीख से कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है। बस यहाँ पर ही दिमाग चलता है इसका, थोड़ा सा कॉलेज में चलता तो टॉपर होती। तेरे ऊपर ही गई है। बहुत अच्छा हुआ आपके ऊपर नहीं गई, नहीं तो पीली में रहती। क्या हुआ, बड़ा खुश दिख रहा है? सोसाइटी में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। धमाका? क्या धमाका हो रहा है? वो भी वैलेंटाइन आ रहा है ना। हाँ उसका क्या? तो वैलेंटाइन डे के दिन सोसाइटी में बहुत बड़ा फंक्शन रखने वाले हैं। क्या करूं मैं वैलेंटाइन डे का, साला अपुन का कोई वैलेंटाइन ही नहीं। हसमत हसमत तो। सुगंधा जी आप ऐसी हंस रही हो, आपको शर्म नहीं आती? हंसना तो का करो, आपने हरकतें ऐसे की है कोई भी हंसेगा आपके ऊपर। किसी के दुख दर्द पे ऐसा हंसना नहीं चाहिए। अपने दुख दर्द के जिम्मेदार आप खुद हो। इसी के लायक है तो वैलेंटाइन डे मनाते हैं सोसाइटी में। मैं कहता हूँ ये सोसाइटी में वैलेंटाइन डे नहीं मनेगा। ईबा अगर सोसाइटी में कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है तो होने दीजिए, आपके कहे पेट में दुख रहा है। हमरे भी साथ नहीं है कोई जोड़ी, पर फिर भी हम कंपटीशन देखेंगे। किसका प्लान है ये? कौन है वो? हम कर रहे ये प्लान, मैं विकास और अनुष्का। फ्यूचर की जनरेशन अभी से खराब हो रही है। ओल्ड जनरेशन ऐसी होगी तो फ्यूचर से क्या उम्मीद रखेंगे? कमीने मुझे देख के बोल रहे तू ओल्ड जनरेशन? ओल्ड नहीं हूं मैं, न्यू जनरेशन वाला हूं, समझा ना? ये देखो बच्चों, सोसाइटी में वैलेंटाइन डे नहीं मनेगा। क्यों? सबकी जोड़ियां आएंगी वहां पे, मैं किसके साथ जाऊं? आपको तो बहुत बड़ा काम है इसके अंदर। कैसा काम? आप करोगे सारी जोड़ियों को जज, और आपका साथ देंगी अनुष्का की दादी। हाय दया, हम और जज? हाँ आप ये कंपटीशन जज करोगे। सोसाइटी में वैलेंटाइन मनेगा। बदल गया क्रिकेट। खुद की शादी 3 बार टूट चुकी है, अब बाकी की जोड़ियों को जज करेंगे।